इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है, इसलिए हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप सभी तक यहाँ पर सही सही जानकारी पहुँच सके। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि इंडिया गठबंधन एनडीए को 24 के चुनाव में हराने जा रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा #WeSupportIndia। पहली बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर के, एक बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी अस्पताल में अचानक से हुई है भर्ती, तबीयत को लेकर के करीबी सूत्रों ने दिया है बड़ा अपडेट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करीबी सूत्रों के मुताबिक उन्हें हल्के बुखार के लक्षण है, फिलहाल वह डॉक्टरों की निगरानी में है और उनकी सेहत यहाँ पर स्थिर बताई जा रही है। ये यहां पर सोनिया गांधी को लेकर के दिल्ली से अपडेट आई है। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक देश एक चुनाव को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने बताया है सही प्रस्ताव, कहा पैसा भी नहीं होगा बर्बाद। सोशल मीडिया पर लोगों ने किया ट्रोल, पूछा देश का लोकतंत्र चुनावी खर्चों से ऊपर है क्या। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा देश में एक देश एक चुनाव को लेकर के कमेटी गठित करने के बाद देश में राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है। सभी राजनीतिक दल इस पर लगातार अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। वन नेशन वन इलेक्शन पर महाराष्ट्र के बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही सही प्रस्ताव है। देश में लगातार चुनाव होते हैं, आधा श्रम चुनाव में जाता है, कहीं कहीं चुनाव की आचार संहिता लगती है तो उसके कारण भी काम में देरी हो जाती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इसके लागू होने से पैसे की भी बर्बादी नहीं होगी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उनको जमकर के ट्रोल किया है और पूछा है कि देश का लोकतंत्र चुनावी खर्चों से ऊपर है क्या आपके लिए। इसके साथ ही एक अन्य यूजर ने यहां पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा ने अगर एक देश एक चुनाव लागू कर दिया तो यहां पर भाजपा ही कहते हैं कि पैसे बचेंगे, और कल को एक देश एक चुनाव लागू होने के बाद भाजपा ये भी कह सकती है कि फिर तो कोई चुनाव ही नहीं होना चाहिए, एक देश एक पार्टी होगी, उसी का राज होगा, इससे सारा पैसा बचेगा। ये यहाँ पर सोशल मीडिया पर बीजेपी के नेता पर तंज कसा गया है, उनके बयान पर तंज कसा गया है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय भी बताइएगा। दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जल्द ही तय होगा यूपी में सीटों के बंटवारे का फार्मूला, सपा को मिलेंगी इतनी सीट, 15 सीटों पर लड़ सकती है कांग्रेस पार्टी। सूत्रों के अनुसार बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है। यूपी में इंडिया के घटक दलों के बीच में सीटों के बंटवारे का फार्मूला जल्द ही तय होने की उम्मीद है। सपा कांग्रेस आरएलडी और अन्य घटक दलों के बीच अंदरखाने मंथन शुरू हो गया है। हालांकि सीट बंटवारा अभी यहां पर होना बाकी है, हालांकि सीटवार इसको लेकर के भाजपा के पत्ते सामने आने के बाद ही सार्वजनिक किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार जो खबर सामने निकल के आ रही है उसमें बताते चले, यहां पर करीब 50 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, 15 से 20 सीटों पर लड़ सकती है कांग्रेस पार्टी, और वहीं आरएलडी को यहां पर 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। ये यहां पर दोस्तों हो सकता है यूपी का इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग का फार्मूला। ये यहां पर पहले राज्य से बड़ी खबर सामने निकल के आई है। दोस्तों इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। उद्धव गुट के नेता संजय राउत बोले चीन पर हो सकती है संसद के विशेष सत्र में चर्चा, लेकिन हम नहीं जा सकते हैं, क्यों ऐसा उन्होंने कहा है। आइए जानते हैं, सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की जानकारी दी है, इसके बाद इसको लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है। और इन सब के बीच में यहां पर संजय राउत से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये विशेष सत्र आखिर क्यों बुलाया गया है। महाराष्ट्र में उस दौरान गणेश उत्सव होगा तो हम इसमें नहीं जा सकते हैं। संजय राउत ने आगे कहा है कि हमने सुना है कि प्रधानमंत्री मोदी चीन के मुद्दे पर चर्चा कराना चाहते हैं। ये यहां पर तंज भी कसा है संजय राउत ने पीएम मोदी पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं।
राहुल गांधी ने कहा, भाजपा और पीएम मोदी 2 से 3 अरबपतियों के लिए लगातार काम करते हैं, इनको जनता से कोई भी लेना देना नहीं है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा और पीएम मोदी पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा नफरत फैलाने का काम करती है, जबकि कांग्रेस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के 2 से 3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। कुछ दिन पहले दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर ने अडानी के बारे में लिखा, लेकिन भाजपा और पीएम मोदी पूरी तरह से उनके मामले में चुप हो जाते हैं। ये यहाँ पर राहुल गांधी का कहना है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा है कि मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आने वाली सरकारें अडानी की नहीं बल्कि गरीबों की होंगी। उन्होंने कहा है कि 1000 करोड़ रुपए जो देश से बाहर गया वह आखिर किसका था, ये पीएम मोदी को बताना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भाजपा का काम लोगों को बांटने का, हिंसा और नफरत फैलाने का है, जबकि कांग्रेस का काम लोगों को जोड़ने का है। ये यहाँ पर कहना है राहुल गांधी का, और उन्होंने यहाँ पर एक विशाल रैली को किया है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक तरफा कांग्रेस की लहर नजर आ रही है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। यूपी में विकास का ये हाल है, टूटी पुलिया को लेकर के धरने पर बैठे हैं बीजेपी के विधायक। कहा 6 महीने के बाद चुनाव है, क्या मुंह लेकर के जाएंगे जनता के बीच। खबर बताते चलें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरे प्रदेश में विकास का ढिंढोरा पीट रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, उनके राज में जो विकास हुआ है उतना किसी के राज में नहीं हुआ है, लेकिन सीएम योगी के राज में हो रहे लगातार विकास की पोल यहां पर खुद उन्हीं की पार्टी बीजेपी के विधायक खोल रहे हैं। राज्य में विकास का आलम यह है कि उन्नाव जिले के यहां पर भगवंत नगर विधानसभा से बीजेपी के विधायक आशुतोष शुक्ला करीब 9 महीने से टूटी पुलिया को ठीक कराने की मांग पर धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा है कि 6 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है, ऐसे में जनता के बीच आखिर कैसे जाएंगे और कैसे वोट मांगेंगे। धरने पर बैठे बीजेपी के विधायक ने कहा है कि यह पुलिया बीते 8 से 9 महीने से खराब है, लेकिन यहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिया ठीक नहीं की जा रही है, जिसके कारण जनता के बीच में गुस्सा है और यहाँ पर जनता ने मुझे वोट दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर सूचना देने के बाद भी अधिशासी अभियंता ने पुलिया का निर्माण नहीं कराया है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि अब अपनी ही सरकार की पोल खोलने लगे हैं बीजेपी के ही विधायक। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, जान लेते हैं। ओवैसी ने एक देश एक चुनाव को बताया है असंभव, संसद के विशेष सत्र में चीन पर चर्चा की रखी है मांग। खबर बताते चलें, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार के द्वारा बुलाए जा रहे संसद के विशेष सत्र में चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद सहित अन्य मुद्दों पर बहस की मांग की है। ओवैसी ने इसके साथ ही एक देश एक चुनाव पर कोई भी विधेयक लाए जाने को असंवैधानिक बताया है। उन्होंने मांग की है कि एनडीए सरकार चीन पर व्यापक बहस करवाए। ये यहां पर ओवैसी की तरफ से दोस्तों बेहद ही बड़ा बयान सामने निकल के आया है पूरे मामले को लेकर के। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।